मुजफ्फरनगर पुलिस के आला अधिकारियों ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसमें मुजफ्फरनगर की पुलिस ने कहा कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए देकर पहले पास बनवाना होगा, तभी उसे पुलिस लाइन में एंट्री मिलेगी। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में अराजक तत्वों और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए मुजफ्फरनगर SSP ने एक फरमान जारी किया है। वो फरमान यह है कि अब मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन में अगर किसी बाहर के व्यक्ति को आना है तो उसे पहले 50 रुपए का भुगतान कर अपना पास बनवाना पड़ेगा, तभी उसे पुलिस लाइन में एंट्री मिल सकती है। आपको बता दें इस पास की सीमा अवधि 1 महीने रखी गई है। 1 महीने बाद फिर से आपको 50 रुपए देकर इस पास को रिन्यूअल कराना पड़ेगा, और अगर आप समय अवधि के बाद रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो ये पास खुद ब खुद निरस्त माना जाएगा। इस फरमान के बारे में पुलिस लाइन प्रतिसार निरीक्षक इंस्पेक्टर संजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस लाइन में एक नियम लागू किया गया पास बनेगा बाहरी व्यक्ति के लिए। जी किस तरह का? ऐसा मैं 24 जुलाई को वहाँ ज्वाइन किया, देखा था कि ग्राउंड में टहलने वाले जो सही टहलने वाले वो भी आते थे, जो नहीं टहलने वाले हैं वो भी आते थे, काफ़ी भीड़ लगती थी। और मैं ग्राउंड में खड़ा होकर देखा कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो उनका टहलना मकसद नहीं रहता था, उनका कुछ और मकसद होता था। मैं 1 महीना इस पर विचार विमर्श किया कि कैसे इसको रोका जा सकता है। इस पर कुछ हमारे लोग थे, उन्होंने कहा कि साहब इसको रोकने पर इसे काफ़ी विरोध होगा। फिर भी मैंने इस पर एनालिसिस करता रहा कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि पुलिस लाइन में कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी RI की होती है। अगर कोई भी घटना अगर घट जाती है तो सीधे कोई भी अधिकारी मुझसे पूछेंगे कि ये पुलिस लाइन में कैसे हुआ और क्यों हुआ, आप क्या करते रहे, आप क्या देखते रहे। इस सारी चीज़ों में वह पोक स्थिति में था। एक दिन मैंने अपने जो हमारे स्टाफ हैं उनसे हमने चर्चा किया कि ऐसा करें तो क्या अच्छा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि प्लानिंग तो सही है लेकिन साहब करना मुश्किल है। हमने कोई मुश्किल नहीं है, एक बार करके देख लें, एक बार ट्राई किया जाए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर इस बात को जो हमारे मौजूदा कप्तान साहब हैं इनके सामने हमने इस बात को रखा कि सर ऐसी ऐसी है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आते हैं और उनको रोकना बहुत ज़रूरी है, और हमारे पुलिस लाइन में बेतहाशा घूमते हैं, और उनसे पूछो तो कहते हैं मैं तो टहलने आया था, मैं पुलिस की तैयारी करने आया था, ये अपना बहाना करते हैं। और ये भी मैंने देखा कि जो हमारे पुलिस परिवार के बच्चे हैं उनके दोस्त भी आया करते थे तो उनके बहाने वो भी आते थे। तो साहब ने हमसे पूछा कि क्या कर सकते हो, हमने कहा साहब अगर पास बना दिया जाए और उस पास पर हम फोटो लगाएंगे, 2 फोटो मांगेंगे, 1 फोटो अपने रजिस्टर पर लगाएंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसके साथ हम आधार कार्ड भी लेंगे और हम 50 रुपया उस पर फीस रखेंगे 1 महीने का, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन उसमें सही व्यक्ति हैं कौन सही व्यक्ति नहीं है। और उसमें हमने एक एज बैंड भी रखा, बैन किया एज का, कि जो 30 वर्ष बाहरी व्यक्ति हैं और 30 वर्ष से कम उम्र के हैं और सर्विस नहीं करते हैं उनका हम पास बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जो स्टूडेंट हैं उनका भी हम पास बिल्कुल नहीं बनाएंगे, जो हमारी बहन बेटियां ये शहर की आती थी उस समय, तो ये साहब ने कहा कि उनके लिए क्या करोगे आप। हमने साहब जो महिलाएं आती हैं उनको तो हम पास बनाएंगे, लेकिन जो बेटियां आती हैं उन पर हम कुछ अंकुश रखेंगे कि उनके साथ उनका गार्जियन आएगा तभी उनका हम पास बनाएंगे, अगर उनका गार्जियन नहीं आएगा वो अकेले टहलने आएंगी तो उनका हम पास नहीं बनाएंगे, तो और जो गार्जियन साथ में आएगा उनका भी पास बनाएंगे ताकि वो खड़े रहें जैसे भी हो। तो ये इस पर हमने पैसा साहब ने कहा कि ठीक है ये तुम्हारी सोच सही है इस पर तुम काम करो, और हमने इसलिए साहब को नॉलेज में डाला ताकि कोई शिकायत करता भी कप्तान साहब के पास जाएगा तो इसकी जानकारी उनके पास रहेगी। अब तक कितने पास बन चुके हैं? अब तक लगभग 100 पास बन चुके हैं। जो पास का जो शुल्क है उस शुल्क को कहाँ जमा किया जाएगा? वो जो पास का शुल्क है उसका हम कैश बुक बनाए हैं और हम ऑन रिकॉर्ड रखे हैं और हमारे पास हमारे पुलिस लाइन में जमा है जो कि उसके बारे में कप्तान साहब के पास जानकारी है। पास की समय अवधि कितनी होगी? 50 रुपये की जो पास है वो 1 महीने के लिए 30 डेज के लिए है। अच्छा सर, जैसे हमने पास बनाए हैं तो इससे कितनी राहत मिली है सर आपको? इससे हमें बहुत राहत मिली है। अब मैं इतना अपेक्षा नहीं किया था कि इतनी जल्दी इस पर कंट्रोल हो जाएगा। अब आप लोग भी देखते होंगे कि शाम को जो शूटिंग बेस है वहाँ पर लगभग
10 स्कूटी या बाइकें खड़ी रहती थी, अब आपको एक भी बाइक स्कूटी वहाँ पर खड़ी नहीं मिलेगी। और मैं भी टहलने के लिए जाता हूँ तो किसी महिला से पूछ लेता हूँ, तो उनका क्रिया प्रतिक्रिया बहुत अच्छा रहा। वो जो हमारी बाहरी महिलाएं हैं उनका कहना है कि अब हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, नहीं तो पहले लगता था कि मतलब लड़के या शूटिंग बेस पर खड़े हुए हैं कुछ बोल देते थे, तो वो अब जो है अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर आप ये सामने कार्य ना करते तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी? अब तक तो कोई घटना नहीं घटी, लेकिन घट भी सकती थी और घट जाती तो पूरी जिम्मेदारी अराई की होती।